दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए हैं, जगह जगह गंजेपन की परेशानी आ गई है, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है या फिर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेकर आई हूँ, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीका लेकर आई हूँ जो कि आपके कमज़ोर बालों को रिपेयर करेगा, बालों में जान डाल देगी ये रेमेडी। क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं लाल छिलके वाले प्याज का। हमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल छिलके का इस्तेमाल करना है। प्याज का इस्तेमाल आप लोग खाने में करें और जो रेड अनियन पील होता है दोस्तों, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसे आप भून कर, सेक कर, इसका पाउडर बनाकर हेयर डाई भी बना सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियो शेयर किए हैं प्याज के छिलकों के, बालों को कैसे काला करें। आज मैं आपको बता रही हूँ कि बालों को किस तरह से हम टूटने से बचाएं, झड़ने से बचाएं, बालों की लंबाई को कैसे बढ़ाएं। पहली चीज़ आपको लेना है रेड अनियन पील, दूसरी चीज़ आपको लेना है फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज। मेथी के बीज दोस्तों इसका सेवन भी करें, इसे बालों पर लगाएं भी, एप्लीकेशन और कंजप्शन दोनों करें। आधा चम्मच मेथी के बीजों को एक गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर इस पानी को उबाल कर छान कर पी लें। कई बीमारियां दूर होती हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर है कलौंजी, एक चम्मच कलौंजी लेना है, जिसे मंगरेल ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है। मंगरेल जो होती है दोस्तों, जिस तरह से काले काले बीज दिख रहे हैं ना, इसी तरह से ये हमारे सफ़ेद बालों को काला करती है कलौंजी। केवल तीन चीज़ों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, प्याज के छिलकों का, एक चम्मच कलौंजी का, एक चम्मच मेथी के बीजों का। आप अगर हेयर मास्क बना रहे हैं आप तेल में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हेयर मास्क बना रहे हैं तो क्वांटिटी को ज़्यादा ले लें। बाल यदि बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको यहाँ पर डबल लेनी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्याज के छिलकों को पीस कर दिखाती हूँ, ग्राइंड करके बताती हूँ किस तरह से इनका पाउडर बनता है। बहुत आसानी से आप प्याज के छिलकों का पाउडर घर पर बना सकते हैं। जितना ज़्यादा प्याज हमारे गंजेपन की समस्या को दूर करता है, उससे कई गुना ज़्यादा प्याज के छिलके फ़ायदेमंद है। ये देखें, अनियन पील पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है, शुद्ध, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। इतना अच्छा बालों को पोषण मिलता है ना, तभी तो बाल हमारे अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। कमज़ोर बालों को रिपेयर करता है, बालों को सिल्की, शाइनी और मज़बूत बनाता है। और लाल छिलके वाले प्याज में सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है दोस्तों, इसलिए मैंने रेड अनियन पील बोला है। सफ़ेद छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है आपको। और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, रूसी डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है, हमारे हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है ये। तो अनियन पील का पाउडर घर पर बना कर रखें। यहाँ पर आपको चार चम्मच प्याज के छिलकों का पाउडर चाहिए और कलौंजी और मेथी। मेथी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, निकोटेनिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, बहुत से विटामिन मिनरल होते हैं। हमारे बालों में से जो कमज़ोर बाल होते हैं दोस्तों, उनमें भी जान डाल देता है मेथी का एप्लीकेशन। उसी तरह से जो कलौंजी है ना दोस्तों, मंगरेल, जितने ऐसा कहा जाता है कलौंजी के बारे में, 100 बीमारियों की एक दवा है। मौत को छोड़कर सारी बीमारियां, सारी चीज़ें ठीक होती हैं यदि चुटकी भर कलौंजी का सेवन रोज करते हैं। रोज़ के खाने में कलौंजी डालें, ये नहीं कि अचार, मुरब्बा या पूड़ी पराठे के आटे में कलौंजी डालें, रोज के सब्ज़ी के बघार किसी में भी आप डालें। लोग कलौंजी का पानी पीते हैं दोस्तों, 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेते। मेथी आप आधा चम्मच ले सकते हैं, कलौंजी ज़्यादा नहीं लिया जाता है। 1/4 टीस्पून कलौंजी को एक गिलास पानी में भिगाएं, सुबह उठकर उस पानी को आप पिएं, आप देखेंगे ब्लैक क्यूमिन सीड कहा जाता है ये, इतने फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पर दही, अच्छा गाढ़ा दही लें ताकि हमारा हेयर मास्क बहुत पतला ना बनने पाए। बहुत पतला पानी वाला दही लेते हैं ना दोस्तों, हेयर मास्क बहुत पतला हो जाता है, फिर हमें एप्लीकेशन में परेशानी होती है। प्याज के छिलकों का पाउडर चार चम्मच लिया है, चार चम्मच मैंने यहाँ पर अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही ले लिया है। दही में प्रोटीन, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। दही हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। कई बार हमें हेयर फॉल इसलिए भी होता है यदि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा सूखापन होता है तो भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो प्याज के छिलके में जो पाउडर लिया प्याज के छिलके का, उसमें मैंने चार चम्मच दही मिला लिया, खूब अच्छी तरह से इसे मिला लें। एक चम्मच मेथी, एक चम्मच कलौंजी, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, कलौंजी, मेथी, चारों चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लें आप, और अब आपको क्या करना है दोस्तों, ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद आपको इसे बढ़िया अच्छा ब्लेंड करना है, अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है ताकि आप इसे अपने बालों पर लगा सकें।
बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों में जान डाल देंगी। दोस्तों ये इतनी बढ़िया रेमेडी है आपके लिए। सप्ताह में एक बार जरूर लगाएं, सप्ताह में दो बार बालों में तेल लगाएं, वीक में एक बार ये मास्क लगाएं। इसमें मैंने छांट कर सभी पावरफुल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये ना सोचे कि रोज़ अलग अलग रेमेडी आती है। दोस्तों हर चीज़ों में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो प्याज में है न्यूट्रिएंट्स वो एलोवेरा में नहीं है, जो एलोवेरा में है वो इसमें नहीं, इसलिए चेंज करके लगाएं। हम लोग खाना कैसे चेंज करके खाते हैं, कभी हम पालक की सब्ज़ी खाते हैं, कभी भिंडी, कभी मेथी की भाजी खाते हैं। इसी तरह से हमारे बालों को सभी तरह के पोषक तत्व मिलना, न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगी ये रेमेडी, हेयर फॉल बिल्कुल ही रुक जाएगा और बालों का झड़ना बंद होगा, गंजेपन की समस्या दूर होगी दोस्तों, और प्री मैच्योर ग्रे हेयर से फाइट करती है ये रेमेडी। कलौंजी क्या करती है, बालों को जड़ से मजबूत और काला बनाती है। बढ़िया अच्छा हेयर मास्क बनकर तैयार है दोस्तों, इसे बालों पर लगाकर कम से कम आप आधे घंटे ज़रूर रखें, इतना बढ़िया, वीक में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। बालों की केयर करें, यदि बाल कितने भी रूखे सूखे बेजान हो गए ना दोस्तों, उन बालों में भी जान आ जाएगी यदि आप इस रेमेडी को लगाते हैं तो। इतनी पावरफुल रेमेडी शेयर की है मैंने आपके साथ, और इस रेमेडी को आप करेंगे ना, लगाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कि रेमेडी कैसी लगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी मैं। आप खाने पीने का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, एक आंवला या दो आंवला भी आप लोग खा सकते हैं, डेली खाएं। ये खाने पीने की चीज़ें हैं दोस्तों जो बहुत फ़ायदेमंद होती है शरीर में जाके। दो करी लीव्स, कढ़ी पत्ते को, करी लीव्स को चबा चबा कर खाएं, केवल दो पत्तियों को। ये अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, बाल हमारे हेल्दी होंगे। ये देखें तो मेरी बेटी इसे धीरे धीरे इसे लेती जा रही है, इस हेयर मास्क को, और अपने बालों पर लगाती जा रही है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बाल हैं, बहुत ही हेल्दी बाल हैं। और शुरू से यदि आप लोग केयर करते हैं ना तो बाल अच्छे रहते हैं। यदि हम लोग केयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बाल हमारे रफ़ हो जाते हैं। दो मुँह बाल की समस्या भी दूर होगी, क्योंकि इसमें दही डाला है। हमारे बालों की जड़ों को जब पोषण नहीं मिलता है तो स्प्लिटेंट की परेशानी आती है, गंजेपन की परेशानी आती है, डैंड्रफ की परेशानी आती है। तो ध्यान रखेंगे ना तो बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगी ये आसान सी रेमेडी। पूरे बालों की जड़ों पर, बालों की लंबाई पर लगाना, और इसे लगाकर कम से कम आधा घंटा रखें। आधे घंटे के बाद जब आप लोग हेयर वॉश करेंगे तो कोशिश यही करना है दोस्तों, प्लेन वाटर से हेयर वॉश करें। शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो अगले दिन शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी आसान रेमेडी है जो कि 100% वर्क करेगी। वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें।